दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में अब निहंग संगठन भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। निहंग संगठन का साफ कहना है कि जब तक किसान यहां बैठेंगे तब तक हम उनके साथ बैठेंगे। निहंग संगठन के लोगों से बातचीत की है संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले करीब 8 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे और लगातार किसानों के समर्थन में तमाम संगठन सामने आ रहे हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं। अब जो है निहंग संगठन जो है यहाँ पर पहुँचा है किसानों के समर्थन में, उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है निहंग संगठन की तरफ से। और आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की है। सुबह से जो संगठन है ये लंगर बनाकर लोगों के बीच बांट रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ हैं लोग, बाबा जी ये बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं इस आंदोलन को, क्योंकि 8 दिन हो गए यहाँ किसानों को बैठे हुए, अब आप लोग भी उनके समर्थन में आ गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। असी किसान वीरों नूं यही बेनती करना चाहुंदे हां भी असी तुहाडे दिलों धन्नवाद करदे हां, तुहाडे मोर्चे दे नाल शामिल खड़े हां, बिल्कुल तैयार पर तैयार ने फौजां, किसी गल्लों घबराउणा नहीं। जिन्ना चिर मोदी जिथे भजदा भजन दो, किसान वीरां दे असीं हमेशा नाल हाँ। जदों किसान वीर सानूं बेनती करनगे वी बाबा जी नहीं मानदे दिल्ली नूं चढ़ना, असीं दिल्ली नूं भी चढ़ जाएंगे। किसान वीरां नूं बेनती आ भी जो असीं धरना इत्थे दे रहे हाँ बिल्कुल शांत प्रीति लाए, कोई झगड़े लड़ाइया तो बिल्कुल। इन्होंने किसानों वीरों ने भी बेनती है, ट्रैक्टर वीर वालों भी बेनती है साड़ी भी भंगड़े पाउण दा कोई इत्थे मतलब नहीं बनता, आप हक लैन आए इन्हां दे दिल्ली दी धौण ते गोडा रखण आया असी। किसान वीरों यही बेनती है, बिल्कुल यही बेनती असीं करदे हां भी भाई जो धरना लाउणा बिल्कुल ही प्रशासन के अधीन होकर लाओ धरना। जो इन्हां दा किसान यूनियन के प्रधान जां मैंबर सवार ने, जो इन्हां दी कमेटी आ, इन्हां नूं भी चाहीदा भी बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी दे नाल इह धरने नूं खूब वधिया ढंग दे नाल निभाउणा। एक गल दसो, कल भी सरकार दे नाल मीटिंग है किसानां दी, तुहानूं की उम्मीद है कि कुछ विच दा रास्ता निकलूगा? गल इदा भाई सानू रास्ते का नहीं, साडे किसान वीर ने, असीं तां साडे किसान वीरां करके आए हैं, ठीक है ना। मोदी कढ़े ना कढ़े रास्ता साडे किसान वीर जिधर नूं सानू कहणगे असीं उधर नूं कूच कर जाना। असीं किसानां करके आ, किसी राजनीति करके नहीं, ना बादलां करके, ना मैंबर किसी आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी करके नहीं असीं आए। असीं किसान वीरां दे नाल दिलों खड़न आए हाँ, तो दिलों कुछ भी हो जाएगा किसान वीरां दे नाल तैयार पर तैयार होकर खड़े हाँ, समेत घोड़ियां दे नाल, बड़ियां बेअंत फौजां होर घोड़े आ रहे हैं किसान वीरां दे नाल मोर्चे च मोर्चा शामिल होकर तकड़े होकर किसान वीरां दा साथ देण आए हैं। कद तक बैठोगे तुसीं इधर? जब तक साढ़े किसान वीर बैठणगे किसान वीरां दे नाल है, भावें साल लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, जिन्ना चिर कहणगे किसान तां किसानां दे नाल आ, बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं। असीं आप किसान दे पुत आ, इस करके ही असीं बेनती करते हैं भाई किसानां दा जो काला कानून मोदी ने लाया इहनूं हटा के किसानां नूं अपने घरों घर ही भेजे। ये कुछ नहीं रखिया, ये अपना देश आ, सब का हक है। ये नहीं है जो मोदी हूँ जो कुर्सी पर बह गया भी मोदी अपनी मन मर्जी करूगा, जिन्होंने बिठाया उतारना भी जानते हैं। इस करके बेनती है भाई साड़ी प्रशासन को भी तुम सब पढ़े लिखे हो, इस कानून में वापस लो, वापस लैके किसानों दी मंगा मंगो। ये जिहड़े किसान सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये किसान एक हीट की रड्डी आ, जो ये बीजेपी की सरकार तोड़न नूं फिरदी आ, ये नहीं टुटूगी। इन्हां दे नाल पंथ खालसा, परमेश्वर, अकाल पुरख की फौज इन्हां दे नाल आ, इहनूं कोई नहीं तोड़ सकता। जे किसान की हीट की रड्डी उट गई तो किसान के पल्ले की रह जूगा भाई। इस करके साड़ी बेनती आ, परमेश्वर का पंथ इन्हां दे नाला, किसान वीरों ने बेनती भी चढ़ती कला च रहो, बाणी पढ़ो, गुरमत का प्रचार करो, ऐसा ढंग बनाओ, बेनती अरदास करो, मारे मोर्चे फतेह हो जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा टोटल न्यूज़ दे नाल गल करन लई। तो कुल मिला के गुरु की फौज कही जाती है, प्यारी फौज कही जाती है, और वो फौज यहाँ पर पहुँची है किसानों के समर्थन में। और इनका भी साफ तौर से कहना है कि जब तक किसान की मांगे जो है पूरी नहीं होती, जब तक किसान यहाँ पर बैठेंगे तब तक वो भी अपने संगठन के साथ यहाँ पर बैठेंगे। और इसके साथ साथ सुबह से लंगर की व्यवस्था है, हज़ारों लोगों का यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के सरकार से साफ कहना है कि हम यहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता। कैमरामैन सुरवीर के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।